गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स येस्टरडे वो डिड विड्यू विद इंट्रोडक्शन अवार्ड द मैन ही किल्ड इट इज अ पोस्ट वो पोइम पोस्ट मीन्स बाद वाली युद्ध के बाद की पोईम है इसमें बैडनेस ऑफ वॉर को दिखाया है कि हम जितने मर्जी युद्ध लड़े लें। लेकिन जो अंत है वो कभी पॉजिटिव नहीं होता यानी कि लॉस ऑफ लाइफ रहता है इसमें बेसिकली बताया गया है कि टू सोल्जर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के हाउ आर दे ट्रेंड? दे आर की जो सामने वाली बाउंड्री पे खड़ा है वो आपका एनिमी है चाहे आप उसे जानते हो चाहे उसे आप नहीं जानते हो और एक सोल्जर ने दूसरे सोल्जर को मार दिया मारने के बाद उसकी जो फीलिंग्स है वो हमें क्या पता चलता है कि दोनों ने शायद एक को तो श्योर है जो जिंदा है वो बता रहा है कि मैंने आम इसलिए ज्वाइन की कि मेरे पास कुछ नहीं था दूसरे ने भी कम्पलशन से ज्वाइन की होगी न दे आर रिग्रेटिंग नो ही इज रिग्रेटिंग उसको बड़ा शिकायत है कि हम लोगों को किस तरह से अनथिंकिंग थिंकिंग मशीन्स बना दिया जाता है ये बता के कि सामने वाला आपका शत्रु है और उसको अपने एनिमी को मारना है सो so, लैंग्वेज बहुत सिंपल है Head

वाइन टुगेदर हम शायद इकट्ठे बैठते शराब पीते वक्त गुजारते एंड हैड वेट मैनी अर्न नेपरकिन और बहुत ज्यादा अपनी आई से टीयर्स निकालते बट रेंज एज इन्फेंट्री सारे का सारा इन्वर्टेड में है इन्वर्टेड का क्या मतलब है कि सारी की सारी जो है डायलॉग फॉर्म में है बट रेंज एज इन्फेंट्री इन्फेंट्री होता है जो पैदल सेना होती है दैट इज कॉल्ड इन्फेंट्री बट वी ज्वाइंट इन्फेंट्री एंड स्टेरिंग फेस टू फेस एंड वी लुकड टूवर्ड्स ईच अदर फेस टू फेस नॉट दिस पोइम आई टोल यू येस्टरडे ऑल्सो इट इज रिटर्न आफ्टर वॉर युद्ध के बाद एक सैनिक ने दूसरे सैनिक को मारा है उसके बाद उस सैनिक के मन में जो उथल पुथल है जो डिस्टर्बेंस है उसको शेयर कर रहा है कि अगर हम किसी पुरानी इनमें मिले होते तो हम लोगों ने क्या करना था हम लोगों ने अपना सुख दुख अच्छा बुरा हम लोगों ने शेयर करना था बट रेंज एज इन्फेंट्री बट वी ज्वाइंट इन्फेंट्री वी ज्वाइंट आर्मी एंड अ डे केम वेन वी स्टूड फेस टू फेस देन I shot at him as he at me. He shot at me and I shot at him. I, I fired at him, he fired at me and killed him in his place. And I was fortunate that I am saved, but I killed him in his place. Manusko jaga? Khade khade hi I shot him dead. Why did I shoot him? I shot him dead, Manusko because, Mara, Because he was my foe. Foe is enemy. enemy. Kyuki wo shatruta. Just so. My foe, of course, he was. Of course he was my enemy, that's clear enough. That is very clear to me. I've been I had been trained in that way. although he would he thought he would list perhaps. Now he is giving us the past that he listed or he joined army. Why did he join? Because he was off hand like just as I. He was off hand means empty handed Kali tha as I I was then. जैसे मैं उस वक्त खाली हाथ था बेचारा वो भी तो खाली हाथ था ही वॉज आउट ऑफ वर्क बोथ ऑफ वी वार आउट ऑफ वर्क वॉज ऑफ हैंड एज जस्ट एज आई वॉज आउट ऑफ वर्क आई हैड नो वर्क टू डू आई वॉज जॉबलेस आई थिंक ही वॉज जॉबलेस लाइक आई वॉज देन हैड सोल्ड हिज ट्रैप्स एंड ही हैड ऑल्सो सोल्ड ईच एंड एवरी थिंग ऑफ हिज ट्रैप्स इज यूज टू ईच एंड एवरी थिंग जो उसकी सारी चीजें थी जो बिलोंगिंग्स थी दे वर सोल्ड नॉट अदर रीजन वाई देर वॉज नो अदर रीजन कोई रीजन नहीं था आर्मी ज्वाइन करने का क्या था नो वर्क वॉज देयर थिंग्स और बिलोंगिंग्स वर सोल्ड तो एम्प्टी हैंडेड थे खाली हाथ थे पैसे नहीं थे येस yes, जो लास्ट वाला स्टेंजा है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इसमें सारे का सारा जिस्ट सारांश या एनकेप्सुलेट किया गया है कि वोट डज अ सोल्जर थिंक ऑफ वो युद्ध के बाद वो क्या सोचता है येस क्वाइंट एंड क्यूरियस वो इज क्वाइंट मीन्स स्ट्रेंज अनयूजल वो इज वेरी स्ट्रेंज अजीब है वी रिमेन क्यूरियस टू नो द रिजल्ट यू शूट अ फेलो डाउन यू किल अ फेलो आप एक इंसान को गोली मार देते हो यू ट्रीट इफ मेट एनी वे बार इज और हेल्प टू हाफ अ क्राउन आप एक ऐसे फेलो को गोली मारते हो होम यू डोंट नो हु इज इन आर्मी इन एनिमीज आर्मी कहते अगर इफ दे हैड मेट समर एल्स इन एनी बार बार मीन्स अ प्लेस वेयर इन भी बोल सकते हैं इसको अ स्मॉल होटल होटल भी बोल सकते हैं वेयर लेकर इज सर्व देन तो कहते अगर हम लोग बार में मिलते वी वुड हैव ट्रीटेड ईच अदर इन अ बेटर वे और हेल्प ईच अदर विद मनी ऑल्सो कहते तो शायद हम पैसे से या एक दूसरे की हेल्प करते एक दूसरे को समझते वट वी मेट एट वे डिड दे मीट दे मीट ड्यूरिंग द वॉ फाइन

तो आप लोगों ने क्या करना है आप लोगों ने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने हैं जितना भी आप हेल्प बुक का कंटेंट हेल्प बुक जो भी आप लेना चाहो यू कैन परचेज सो वट यू विल डू यू विल गो थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके क्वेश्चन किस तरह के आते हैं मैं आपको क्वेश्चन जो है वो वीडियो बना के सेंड करूंगी आपने उसके अकॉर्डिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो अटेम्प्ट करना है बिकॉज सबसे स्कोरिंग हमारा यही पोर्शन जाता है उसके बाद हमारा एक अनसीन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है अनसिन मीन्स जो बुक से नहीं आएगा ईजी रहता है बट वो आप लोगों ने आप लोगों ने उसको ट्राई करना है उसको अटैप्ट करना है पास होने के लिए उससे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन कोई भी नहीं है सो वॉट यू विल डू टूडे यूल जस्ट गो थ्रू द पोईम इस पोइम को आप पढ़ोगे इसको अंडरस्टैंड करोगे ज्यादा टफ नहीं है लैंग्वेज भी इजी है इसकी और साथ में आपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करने हैं लेकिन अभी आप वेट करोगे आई एल सेंड यू अ वीडियो ऑफ द सेम वीडियो बना के भेजूंगी एक दो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के उससे आपको पता चल जाएगा और साथ में कंटेंट भी सेंड करूंगी सो गुड डे